हाय व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जायका इंडिया का पर। काफी लोगों की कमेंट्स आ रही थी कि चिकन खावसा की रेसिपी शेयर करें, इसलिए आज हम बनाने वाले हैं सूरत के स्पेशल रानदेरी चिकन खावसा। अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपकी फेवरेट डिश शेयर करें तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे खावसे के लिए चिकन कड़ी। उसके लिए हमने यहाँ पर ली है आधा किलो चिकन, एक टीस्पून नमक, 12 से 15 छोटी हरी मिर्च, दो काटे लहसुन के, एक बड़ी साइज का अदरक। हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का हम पेस्ट बना लेंगे। और हमने ली है दो मीडियम साइज से कटी हुई प्याज, आधी कटोरी मगज बीज यानी कि मेलन सीड्स, एक कटोरी डालिए यानी कि भुने हुए चने और एक पूरा नारियल। इस डिश में हमने जो भी चीज़ें ली है इसका हम अलग से पेस्ट तैयार करेंगे। खावसे की कड़ी बनाने के लिए हम एक बर्तन में लेंगे 200 ml तेल। अब हम इसमें डाल देंगे हमारी कटी हुई प्याज। अब हम इसको तब तक भून देंगे जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। आप देख सकते हैं हमारी प्याज गोल्डन हो चुकी है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। इसी के साथ हम इसमें नमक भी ऐड करेंगे और आधा कप पानी डालेंगे। पहले इसको अच्छे से हिलाएंगे और ढक देंगे। अब देख सकते हैं कि हमारा चिकन तेल में अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे आधा कप पानी। हम इन मसालों को चिकन के साथ अच्छे से पकने देंगे ताकि हमारा मसाला बिल्कुल भी कच्चा ना रह जाए। आप देख सकते हैं कि हमारी चिकन मसाले के साथ अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा मगज बीज, दालिए और नारियल का पेस्ट। इसी के साथ हम इसमें एक टीस्पून नमक भी ऐड करेंगे। यहाँ पर ध्यान रहे कि हमने पहले जो नमक ऐड किया था वो चिकन के लिए था और अब जो नमक ऐड कर रहे हैं वो चिकन कड़ी के लिए है। और हम इसमें डालेंगे तकरीबन 2 लीटर पानी। अब हमारे खावसे की कड़ी को हम 20 मिनट तक पकने देंगे। जब तक ये पककर तैयार होती है हम हमारे नूडल्स को बॉईल कर लेंगे। नूडल्स को बॉईल करने के लिए हमने एक बर्तन में यहाँ 3 लीटर पानी लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून नमक। इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून तेल और पानी को अच्छे से बॉईल होने देंगे। हमारे पानी में उबाल आने लगा है। अब हम इसमें नूडल्स ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने तकरीबन 500 ग्राम नूडल्स लिए हैं। तकरीबन 25 मिनट के बाद हमारी खावसे की कड़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब वक्त है इसमें तड़का लगाने का। करने के लिए हमने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच तेल को गरम कर लिया है और अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें डालेंगे 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अब हमारे तड़के को हम चिकन कड़ी में ऐड कर देंगे। अब हम इनका जो गर्म पानी है उसे निकाल देंगे। नूडल्स से गर्म पानी को निकालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे ठंडा पानी। अब हम खावसे की पापड़ी तैयार करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम मैदा। इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक और 2 बड़े चम्मच तेल। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटा गूंथ कर तैयार करेंगे। हमारा आटा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसकी पापड़ी बनाएंगे। इस तरह से हम आटे के पोल्स बना लेंगे और उसकी रोटी ले लेंगे।
हम रोटी को छोटे पीसेस में काट लेंगे। यहाँ पर एक कढ़ाई में तेल लिया है, तेल गर्म होने के बाद हम इसमें पापड़ी को डालकर उसको तल लेंगे। यहाँ पर हमने लिया है लहसुन और इसको तेल में फ्राई कर लेंगे। इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर ब्राउन हो जाए। चिकन खावसा को सर्व करेंगे, उसके लिए हमने यहाँ पर लिए हैं नूडल्स, चिकन कड़ी, खावसे की पापड़ी, बारीक कटा हुआ हरा प्याज, फ्राई किए हुए लहसुन और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो लीजिए, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है सूरत के स्पेशल दांदेरी चिकन खावसा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।